हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला कराने की मांग को लेकर आज रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। रेवाड़ी शहर के जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर आप कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ पहले जमकर नारेबाजी की गई और फिर दोनों के पुतले फूंके गए। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, एक हफ्ते से सत्याग्रह करके सरकार को चेताने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि बीते वर्ष नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को सरकार ने निजी स्कूल अलॉट किए थे। उस समय लंबे संघर्ष के बाद निजी स्कूलों ने गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया था, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों का अभी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है, जिसके विरोध में आप कार्यकर्ता रोष जताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस करके काम किया है, जहां सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है और निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो वो आने वाले समय में आंदोलन तेज करेंगे। ये मुख्यमंत्री का और शिक्षा मंत्री का फूका है, क्योंकि वो हमारा दाखिला नहीं ले, सारे जतन करके देख लिए, धरना भी दे चुके और डीसी ऑफिस के बाहर भी बैठ चुके, कितना कुछ कर सके, भजन कीर्तन भी कर लिया, लेकिन हमारा दाखिला नहीं ले, मजबूरी में आके हमने यहाँ पे पुतला फूका है। कौन से स्कूल की स्टूडेंट हो? मैं जैन गर्ल्स की। वो मेरा सोली चैट पब्लिक स्कूल में एडमिशन वो नंबर आया है, लॉट हुआ है, तो उस स्कूल में मेरा एडमिशन लेने के लिए मांग की गई है, पर वो मेरा एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ये हम पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जो सरकार ने 134 के फॉर्म निकाले थे, जिनके स्कूल अलॉट हुए थे उनके दाखिले नहीं हुए, अधिकतर बच्चों के थे हो गए, लेकिन अभी कुछ स्कूल आनाकानी कर रहे हैं, उनके लिए हम लिखित शिकायत दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, हम धरना दे चुके हैं, मांग कर चुके हैं, ज्ञापन के अलावा हम सत्याग्रह चला चुके हैं 1 सप्ताह का, उसके अलावा भजन कीर्तन कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी मना चुके हैं ये बेटियाँ। आज इन बेटियों ने 1.5 महीने से परेशान होकर अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए आवेश में आकर तंग आकर परेशान होकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का जिला की शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर उनका दोनों का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका है, ताकि उनकी आक्रोश सरकार तक पहुँचे और उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर सरकार अभी भी नहीं जागी सरकार, तो ये और लोगों को पेरेंट्स को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ और विरोध प्रदर्शन को तेज किया जाएगा, और गली मोहल्लों में प्रदर्शन किया जाएगा और लोगों को जोड़ा जाएगा, एक व्यापक आंदोलन चला जाएगा और उस आंदोलन को सरकार के उचित मुकाम तक पहुँचाया जाएगा। जब तक इन बेटियों का दाखिला नहीं हो जाता तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। सरकार एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं बेटियों को धरना देना पड़ रहा है, ज्ञापन देना पड़ रहा है, मांग करनी पड़ रही इतनी भारी गर्मी में, उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेत रही है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, देश के ऊपर ये काला कलंक है कि बेटियों को धरना देना पड़ रहा है, पुतला फूंकना पड़ रहा है, इतना गुंगी भैरी सरकार हो चुके हैं ये, इनके जो दावे हैं वो सारे खोखले हैं, इनकी पोल खुल चुकी है, और आज हम ये चेतावनी देख के जा रहे हैं प्रशासन को कि जल्द से जल्द इन बेटियों का दाखिला करवाए और इनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा सरकार के खिलाफ और अभियान तेज किया जाएगा। हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का यही है कि शिक्षा सबसे प्राथमिक मुद्दा रहा है। दिल्ली के सरकार स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाया है, इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है, जो नाजायज फीस वसूली, उन पर अंकुश लगाया है। पिछले 10 साल का ऑडिट भी करवाया था उन्होंने, लगभग 250 करोड़ रुपये सभी पेरेंट्स के बाय चेक वापस भी करवाए हैं, तो प्राइवेट स्कूलों की लूट पर भी अंकुश लगाया है और सरकारी स्कूलों को सुधार भी किया है। यहाँ पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर दिल्ली सरकार की तर्ज पर सरकारी स्कूलों को सुधारा जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी नियमों के अनुपालन नहीं कर रहे प्राइवेट स्कूल, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, और शिक्षा माफिया जो पनप रहे हैं उन पर गहरा अंकुश लगाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही नतमस्तक हो जाएंगे। एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो प्राइवेट स्कूलों की लूट पर जरूर रोक लगेगी और सरकारी शिक्षा में भी सुधार ले आ जाएगा। पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली। ठीक कैसे भाई, इनने भी दे रखी सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठान लाग रहा से। अरे पर वो तो एकलास है। ना 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 ना, ई एकला कोन्या, ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया है, जनसेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात है,
फिर तो लोग उसके बारे में ठीक कहें हैं। जो नेता नहीं यो से भाई और बेटा, शासक नहीं यो से जन सेवक है। हाँ, पर ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे। बोले तू मेरे साथ में और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।